छोले तो आपने हजार बार बनाई होगी और हजार बार खाई होगी, लेकिन आज जो छोले बनेंगे वो सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट, वो भी बिना किसी छोले मसाला के, ना ही कोई किचन किंग के और ना ही मार्केट वाली कोई सब्जी मसाला के डलेगी इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आसान तरीके से स्वादिष्ट छोले बनाना। एक कुकर में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। खड़े मसाले के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 3 तेज़पात, 6 से 7 फूल वाली लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 खड़ा लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 स्टिक दालचीनी, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 बड़ी इलायची, 6 से 7 हरी मिर्च को कट कर लिया है। अब मैं सभी मसाले को लो फ्लेम पर पकाना है। ये हमने 2 बड़े साइज की प्याज कर ली हूँ। अब इसे हल्का कलर चेंज होने तक भूनना है। इसमें 2 मिनट का समय लगेगा। इसे हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब जब ये प्याज हमारा मीडियम फ्लेम पर हल्का कलर चेंज हो गया है और फ्राई हो गया है, तब इसमें मैं 2 टमाटर डालूँगी। टमाटर ये मेरे बड़े साइज के हैं, ये मैं 2 ली हूँ। आप अगर छोटे साइज के टमाटर ले रहे हो तो 3 से 4 ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ 6 से 7 हरी मिर्च जो कट करके रखी थी उसे भी मैं डाल दूँगी। अब टमाटर को हल्का मुलायम होने तक भूनना है, तब इसमें मसाले ऐड करना है। मसाले के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ हल्दी स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार और जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैं यहाँ 1 मीडियम चम्मच ले रही हूँ। अब सभी मसाले को 2 से 3 मिनट पर मीडियम फ्लेम पर भूनना है, क्योंकि यहाँ टमाटर भी पानी छोड़ेगा, इसलिए फ्लेम को मीडियम रखें, लेकिन अगर मसाले जलने लगे तो फ्लेम को लो करें। जब हमारा मसाला पक गया है तब मैं इसमें डालूँगी काबली चना। काबली चना को मैंने यहाँ 200 ग्राम लिया है। इसे मैंने रात भर पानी में डाल दिया था। अब काबली चना को 3 से 4 मिनट फ्लेम को लो टू मीडियम करके भूनें। इसे भी जलने नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। जब हमारा काबली चना भुन जाएगा तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जो पानी ऐड करना। पानी आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालें। यदि आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ज़्यादा डालें, लेकिन कुकर में पानी का बेस्ट नाप 1 कटोरी फूले हुए चने के लिए 1.25 कटोरी पानी डालें। तो मैं यहाँ 1 कटोरी मेरा फूला हुआ चना था, तो मैं 1.25 कटोरी पानी डालकर ढक्कन बंद करके गैस पर चढ़ा दी हूँ। अब मैं छोले में 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 2 सीटी बिल्कुल ही लो फ्लेम पर लगवाऊँगी और भाप को अपने आप ही निकलने। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया मस्त छोला बनकर तैयार हो गया है। इसे खाकर कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसमें इतने कम मसाले डाले हैं और ना ही आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो वो भी बिना छोले मसाले के, बिना लाल मिर्च पाउडर के, देखिए कितना मस्त छोला मसाला बना है। तो यही हमारे किचन की खासियत है। जैसो किचन आपके लिए इस तरह की रेसिपी लाता है जिसमें मसाले कम हों और खाने में भी स्वादिष्ट बने और अच्छे से जल्दी से बन जाए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।